नमस्कार दोस्तों, एसआरएस एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त सभी को, सभी भारतीयों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बाटला हाउस जॉन अब्राहम की मूवी आज रिलीज हो गई है। ये इस मूवी में काम कर रहे हैं जॉन अब्राहम, मृणाल ठाकुर, नोरा फतेही और रवि किशन। रवि किशन एक्शन थ्रिलर की मूवी है और इसको निर्देशित रवि किशन ने किया है। और बाटला हाउस देश प्रेम के जज्बे को दर्शाने वाली फिल्म के लिए 15 अगस्त यानी आज़ादी के दिन से बेहतर और क्या हो सकता है। इसी दिन का फायदा उठाते हुए जॉन अब्राहम ने निखिल आडवाणी के साथ निर्देशन में बनी बाटला हाउस को स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज करने का फैसला कर लिया। आइए बात करते हैं कहानी के बारे में। ये एक सत्य घटना पर आधारित मूवी है। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल बम धमाकों की जाँच के सिलसिले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अफसर के यानी कि रवि किशन और संजीव कुमार यादव अपनी टीम के साथ बाटला हाउस L18 नंबर की इमारत की तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं। वहां पर पुलिस की इंडियन मुजाहिदीन की संदिग्ध आतंकियों से मुठभेड़ होती है। इस मुठभेड़ में 2 संदिग्धों की मौत हो जाती है और 1 पुलिस अफसर के घायल होने के साथ साथ केके की मौत। एक संदिग्ध मौके से भाग निकलता है। इस एनकाउंटर के बाद देश भर में राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का माहौल गर्मा जाता है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां और मानवाधिकार संगठनों के द्वारा संजीव कुमार यादव की टीम पर बेकसूर स्टूडेंट्स को आतंकी बताकर फेक एनकाउंटर करने के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। इस सिलसिले में संजीव कुमार यादव को बाहरी राजनीति ही नहीं बल्कि डिपार्टमेंट की अंदरूनी चालों का भी सामना करना पड़ता है। वह पोस्ट ट्रामेटिक डिसऑर्डर जैसे मानसिक बीमारी से जूझता है। जांच को आगे बढ़ाने को खुद को निर्दोष साबित करने के लिए सिलसिले में उसके हाथ बांध दिए जाते हैं। उनकी पत्नी नंदिता कुमार यानी कि मृणाल ठाकुर उसका साथ देती है। कई गैलेंट्री अवार्ड्स से सम्मानित जांबाज और ईमानदार पुलिस अफसर अपनी टीम को बेकसूर साबित कर पाता है। इसे जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। डायरेक्शन की बात करें तो निखिल आडवाणी की फिल्म की खासियत यह है कि ये कई परतों के साथ अपनी बढ़ते हैं और इस एनकाउंटर के बाद पैदा हुई तमाम दृष्टिकोण को वो दर्शाने में कामयाब हो जाते हैं। इन परतों में पुलिस की जामबाजी, अपराध बोध, बेबसी, उसकी दागदार होती साख, पॉलिटिकल पार्टीज की राजनीति, मानवाधिकार की बातें, संगठनों का आक्रोश, धार्मिक कट्टरता, मीडिया के प्रोजेक्शन और प्रेशर पर लगातार डिबेट होते हुए फिल्म को आगे बढ़ाते हैं। फिल्म में कई तालियां पीटने वाले डायलॉग्स भी हैं। जैसे एक सीन में संजीव कुमार यादव कहता है कि एक टेररिस्ट को मारने के लिए सरकार को जो रकम देती है उससे ज़्यादा एक ट्रैफिक पुलिस एक हफ्ते में कमा सकता है। कहानी की खूबी यह है कि पुलिस को कहीं भी महिमा मंडित नहीं किया गया है। पुलिस खुद अंडरडॉग है। जॉन द्वारा तूफेल बने आलोक पांडे को कुरान की आयात को समझाने वाले सीन भी बेहतरीन बन पड़े हैं। निखिल ने फिल्म में दिग्विजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, अमर सिंह और एलके आडवाणी जैसे नेताओं के रियल फुटेज का इस्तेमाल किया है। सौमिक मुखर्जी की सिनेमेटोग्राफी बेहतरीन बन पड़ी है। निर्देशक में ने फिल्म को बहुत ही रियलिस्टिक रखा है जो कहीं कहीं पर हैवी लगते हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स और पुख्ता हो सकता था। पुलिस अफसर संजीव कुमार यादव के रूप में जॉन अब्राहम ने जबरदस्त काम किया है। अब तक की उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं तो गलत नहीं होगा। संजीव कुमार और पुलिस अफसर के रूप में उनका मानसिक द्वंद, अपराध बोध, बेबसी और जामबाजी को बहुत ही सहजता से दिखाया गया है। उन्होंने अब कहीं भी अपने किरदार को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोइक नहीं होने दिया है। वहीं पे मृणाल ने नंदिता की बखूबी निभाया है। रवि किशन केके के रोल को असर छोड़ने में कामयाब रहे हैं। उनकी भूमिका को और विस्तार दे सकते थे। डिफेंस लॉयर के रूप में राजेश शर्मा का काम याद रखा गया है। छोटे से रोल में साकी जैसे आइटम सॉन्ग्स में नोरा फतेही जस्ती हैं। तूफेल की भूमिका में आलोक पांडे ने अच्छा काम किया है। मनीष चौधरी, शहीदुर रहमान, क्रांति, प्रकाश झा जैसे सपोर्टिंग कास्ट मजबूत दिखाई पड़ते हैं। संगीत की बात करें तो तुलसी कुमार, नेहा कक्कड़ की साकी और साकी गाना बहुत ही बेहतरीन बन पड़ा है। काफ़ी अच्छा आइटम सॉन्ग और अच्छा डांस परफॉर्मेंस हुआ है। तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है। जॉन को पसंद करने वाले और बायोपिक मतलब देश के ऊपर बनी पिक्चर जिसको पसंद है वो देख सकते हैं। पिक्चर एक बार देखने लायक जरूर है। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।